गुड इवनिंग भाई। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है। हर बार मेंस में हमारे पास एक प्रॉब्लम इस टॉपिक से आता है, सिंपल ही होता है, काफी स्कोरिंग होता है, बस फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। सारे फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग याद करके जाएंगे, प्रीफर करेंगे कि भाई याद करके जरूर जाना, क्योंकि याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। याद कर लोगे तो प्रॉब्लम इजीली स्टैटिस्टिक्स का सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत इजीली आप लोग 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में। तो ये जो पीडीएफ है सिर्फ थ्योरी की रिगार्डिंग, आप लोग यही पीडीएफ रिवाइज कर लोगे, इसके अलावा और थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने काफी प्रॉब्लम ले ली है, बस आपका काम ये रहेगा कि आप चाहो तो प्रीवियस ईयर आर्काइव्स के कुछ सवाल और बना सकते। आपको सारे सवाल बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ पॉसिबिलिटीज कवर कर दी हैं कि जो उसने आज तक पूछा है या फिर पूछ सकता है। ठीक है ना भाई? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेन की। पहले मैं एक बार बोल देता हूं, फिर हम बात कर लेंगे। सब कुछ स्क्रीन पर है आपके। मेन, आई थिंक मीन हम सबको आता होगा। मीन को मैं जनरली एक्स बार से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो और डिवाइड में उन ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई? तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। मीन डिनोटेड बाय एक्स बार। मैंने बोला एक्स बार का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो देखो समेशन ऑफ एक्स आई मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय एन, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है? हम कभी कभी एक्स बार का फॉर्मूला ये भी लगा लेते हैं। कब लगाते हैं? जब मेरे को ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसीज मेंशन हो प्रॉब्लम में। तो कुछ नहीं, बस एक्स आई के आगे एफ आई लगा लेना तो फॉर्मूला बन जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का मतलब तो वही हुआ कि सारी ऑब्जर्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का। आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो। कंबाइंड मीन इज गिवन बाय एक्स बार, दैट इज कंबाइंड मीन इज एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू। यहाँ पे ये जो एन वन और एन टू है, दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस, और एक्स वन बार और एक्स टू बार जो है दैट इज द मीन ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस। हाँ भाई, तो इस फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो बहुत कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है। एक बार देख लेते हैं कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई? तो एक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है एन वन और उसका जो मीन है दैट इज एक्स वन बार। दूसरा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है एन टू और उसका जो मीन है दैट इज एक्स टू बार। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये बताओ यार, एक्स वन बार क्या होता है? एक्स वन बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो चेक करिएगा, यहां से सिग्मा एक्स आई क्या आ गया, एन वन लिख देते हैं, एन वन एक्स वन बार आ गया। आ गया भाई? हाँ भाई। दूसरी बात करें तो एक्स टू बार, तो वो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा वाई आई, कोई दूसरा सेट है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, एन टू। तो बेटा सिग्मा वाई आई क्या आ गया, एन टू एक्स टू बार। तो बेटा बताओगे ये क्या है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जर्वेशंस का सम और ये क्या है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जर्वेशन का सम। तो अगर मैं आपसे कंबाइंड सम पूछूं तो कंबाइंड सम करने पे कितना आएगा, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार, दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए, एन वन प्लस एन टू, तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास कंबाइंड मीन निकल कर आ गया। कुछ भी काम नहीं किया है, ध्यान से देखिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द फर्स्ट डाटा एन वन एक्स वन बार,
sum of observations for the second data n2 x2 bar. Overall combined sum n1 x1 bar plus n2 x2 bar. Total number of observations n1 plus n2. So sum upon number. That is the combined mean. आपको रखना तो ये फॉर्मूला याद ही है. याद रख लोगे आप लोग आराम से सवाल सॉल्व कर पाओगे. दैट इज द कंबाइंड मीन. एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. याद करने की कोशिश हम अभी करेंगे. हाँ भाई, x बार इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. x बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. x बार इज एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू. दैट इज आर कंबाइंड मीन. ठीक है भाई, तो मीन के बारे में हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. ध्यान से पढ़ लेते हैं. पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को के से इंक्रीज कर दें या के से डिक्रीज कर दें, तो कॉमन सेंस है, आप ही बोल दो, मीन भी जो होगा वो के से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है भाई, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर देते हैं तो मीन भी 5 से ऐड होके आ जाएगा. अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मीन भी 10 से सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा. सिमिलर पॉइंट मैंने बोला हुआ है कि हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं किसी कांस्टेंट से, तो जो मीन है वो भी उसी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा. यानी अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो न्यू मीन विल बी 5 टाइम्स. अगर हर ऑब्जर्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर देते हो तो जो हमारा नया मीन आएगा दैट विल बी 1/5 टाइम्स. ये तो सिर्फ कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा होगा. ठीक है भाई, तो इस थर्ड पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़ना. जेई मेंस में ये सवाल उसने मेरे से पूछ लिया है. पॉइंट बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज ध्यान रखना. मीन इज डिपेंडेंट अबाउट ओरिजिन एंड स्केल. मीन जो होता है वो ओरिजिन एंड स्केल दोनों पे डिपेंड करता है. ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब है कि मैंने हर ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया या कम कर दिया. Each observation is increased by some k or decreased by some k. That is the meaning of origin. यानी मैंने origin को shift कर दिया. X plus something कर दिया. पढ़ते हैं ना x2 observe. जब हम origin को shift करते हैं तो x2 is equals to x plus x1, कुछ इस तरह के formulas आते हैं भैया, नहीं आते हैं. तो origin का मतलब सिर्फ ये है कि हमने हर observation को बढ़ा दिया या घटा दिया. ठीक है, स्केल का मतलब है कि हमने हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया या हर ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया. ग्राफ पेपर पर हम स्केल फिक्स करते हैं ना, हमने स्केल को 2x कर दिया, 3x कर दिया, 4x कर दिया. तो ऐसे समझ सकते हो, ओरिजिन मतलब बढ़ाना या घटाना, स्केल मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना. और हमने अभी पढ़ा कि एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मीन चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी मीन चेंज होता है. ठीक है भाई, ठीक है. तो ये हमारे पास मीन हो गया. तो मीन बहुत आसान है, बस हमें जो याद रखना है दैट इज x बार इज समेशन एक्स आई अपॉन एन. x बार इज एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू. अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 5 से एड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मीन भी 5 से एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो मीन भी 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा. ठीक है भाई, मीन ओरिजिन और स्केल दोनों पे डिपेंड करता है. ओरिजिन का मतलब क्या है कि भाई हमने कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया. स्केल का मतलब क्या है कि हमने स्केल को 2x या 1/2x कर दिया, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया. ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पर टॉपिक पर बढ़ते हैं. दैट इज आर मीडियन. प्रॉब्लम्स मैं एक साथ करा दूंगा, कुछ भी टफ है ही नहीं इस टॉपिक में, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है. तो यू विल हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी फॉर्मूला फॉर दिस टॉपिक. बस फॉर्मूला याद कर लोगे, सवाल सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी. ठीक है भाई,
मीडियन, मीडियन का मतलब है जस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन, बीच वाली ऑब्जर्वेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। अब कोई आपसे मीडियन निकालने को बोले तो मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, किसी में भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। अरेंज करने के बाद आपको उस ऑब्जर्वेशंस का मिडिल ऑब्जर्वेशन निकाल लेना है। मिडिल ऑब्जर्वेशन, बीच वाला ऑब्जर्वेशन, बहुत सिंपल सा काम है। मिडिल ऑब्जर्वेशन, खुद ही बताओ अगर उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सोच के अपने कॉमन सेंस से फॉर्मूला बना देना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मान लो 21 है, तो 21 अगर ऑब्जर्वेशंस होंगी तो पता लग रहा है मिडिल ऑब्जर्वेशन 11th होगी, 10 इधर 10 इधर, बीच में 11th, ठीक है भाई। तो मैंने यही लिख रखा है कि भाई अगर n ऑड है तो n प्लस 1/12th ऑब्जर्वेशन इज द मिडिल टर्म एंड दैट वुड नोन एज मीडियन, ठीक है भाई। अगर 101 टर्म है, 50 इधर छोड़ दो, 50 इधर छोड़ दो, बीच में 51st टर्म आ गई, दैट इज आवर मिडिल टर्म, दैट इज आवर मीडियन। फॉर्मूले से जाओ तो 101 प्लस 1 बटे 2, आई थिंक आया तो 51 है, ठीक है। हाँ भाई, अगर n इवन है, इफ n इज इवन, n इवन मतलब लेट्स से एग्जांपल 20 टर्म्स, n अगर इवन है 20 टर्म्स है, तो बताओगे अगर 20 टर्म्स है तो 9 इधर छोड़ दो, 9 इधर छोड़ दो, बीच में कौन कौन सी टर्म बची, 10th एंड 11th, those will be the middle terms, या फिर फॉर्मूला लगा दो n by 2, 20 by 2, that is 10, and n by 2 plus 1, 20 by 2 plus 1, 11, तो यानी 10th and 11th are the middle terms, मतलब common sense वाली बात है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। If n is even, then n by 2 and n by 2 plus 1, both are the middle terms, तो अगर दो मिडिल टर्म्स आई हैं, तो मीडियन किसको बोलेंगे, मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू। तो अगर आपके पास 20 टर्म्स हैं, तो आपने जब मिडिल टर्म निकाली तो वो 10th और 11th आई, 10th और 11th टर्म का जो एवरेज होगा 10th प्लस 11th बाय 2, दैट वुड बी नोन एज द मीडियन, हम लोग उसे मीडियन बोलेंगे, ठीक है भाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो मैं आ ही जाऊंगा। हाँ भाई, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 9, 8, और मुझे इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो मैंने कहा था मीडियन के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो। लेट्स से मैं असेंडिंग में ही अरेंज कर लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने इन्हें असेंडिंग में अरेंज कर लिया। अब बेटा बताओगे कुल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 9, और अगर 9 ऑब्जर्वेशंस मतलब ऑड, फॉर्मूले से चले जाते हैं या फिर डायरेक्टली पता लग रहा है, तो भाई मिडिल ऑब्जर्वेशन जो होगी वो कौन सी होगी, n प्लस 1/2, कौन सी ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो बस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 5, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, मीडियन। बच्चों वाला काम है, कोई टफ काम है ही नहीं, तसल्ली से करेंगे, ध्यान से करेंगे, एग्जाम प्रेशर फील नहीं करेंगे, तो इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं यार भाई, ठीक है भाई। तो मीडियन 5 आ गया। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसमें भी हमको मीडियन निकालना है, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है भाई। तो मीडियन निकालने के लिए पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दूं, लेट्स से मैं तो हमेशा असेंडिंग में ही अरेंज कर दिया करूंगा, 1, 2, 23, 24, 32, 100, असेंडिंग में अरेंज कर दिया। अब ऐसा करिए, पहले ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल मिला के कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई, 6 ऑब्जर्वेशन है,
और अगर सिक्स ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, और इवन था तो मिडिल टर्म किस किस को बोला था, एन बाय टू को, तो एन बाय टू का मतलब कौन सा, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मिडिल टर्म हुआ, और एन बाय टू प्लस वन को कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है भाई। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आ गई, थर्ड एंड फोर्थ, तो एक बार थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं, थर्ड इज 23, फोर्थ इज 24। तो भाई अगर हम लोग मीडियन की बात करें, तो मीडियन मैंने क्या बोला था, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, यानी 23 प्लस 24 बाई 2, दैट वुड बी 23.5, दैट वुड बी आर मीडियन। तो बहुत सिंपल सा काम है, बहुत इजीली मीडियन हम लोग निकाल सकते हैं। और मैंने यहां पर फिर ये लिख दिया कि मीडियन इज डिपेंडेंट अपॉन ओरिजिन एंड स्केल। आप अपने दिमाग से ही सोच लो कि भाई अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से ही देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मान लो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं हर, हाँ भाई, तो इसका अगर मीडियन की बात करें तो दिख रहा होगा मीडियन 3 आ रहा है भाई। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में पांच पांच ऐड कर दूं, 6, 7, 8, 9, 10, चेक करो मिडिल टर्म अब कौन सी आ गई, 8, आई थिंक मीडियन भी 5 से बढ़ गया। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, यानी कि भाई हम अगर हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, कुछ डिवाइड कर दें, तो मीडियन भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दूं, मीडियन 5 से बढ़ जाएगा। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मीडियन 5 से कम हो जाएगा। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को ट्वाइस कर दूं, मीडियन ट्वाइस हो जाएगा। और अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को हाफ कर दूं, तो मीडियन हाफ हो जाएगा। दैट्स इट। बस मीडियन में हमें कुछ ध्यान रखना ही नहीं है। मीडियन का मतलब मिडिल टर्म निकालना कैसे है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भाई अरेंज कर लेना, बीच वाली टर्म जो होती है वही मीडियन होती है। बीच वाली टर्म कैसे निकालनी है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, n बाय 2 एंड n बाय 2 प्लस 1, ये जो दो टर्म है, दीज आर द मिडिल, और इनका जो एवरेज है, दैट इज द मीडियन। और भाई मीडियन ओरिजिन स्केल दोनों पर डिपेंड करता है। कुछ एड सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज होगा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो चेंज होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट आर मीडियन, ठीक है भाई। तीसरा हमारे पास टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, दैट इज मॉड। मॉड बहुत सिंपल है, मॉड का मतलब है ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार आ रही हो, सबसे ज्यादा बार आ रही हो, उसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दैट इज नोन एज द मोड, यानी बहुत बच्चों वाला सा काम, बहुत छोटा सा काम, केजी वाले को भी बताऊं तो कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है भाई। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन उसने मेरे को दे दिया, पूछता है, जे मेंस पूछता है, मैंने नहीं बनाया अपना, आप इस तरह के सवाल ही पूछता है, 1, 2, 2, 1, तो पढ़ लेते हैं एक बार, जरा देख के बताओगे। इसमें जो वन है, तो आपको दिख रहा होगा वन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी टू है, वन दो बार आ रहा है। इसके बाद टू की फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग देखो, तो टू की फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 है, और 3 की फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग देखो, तो 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, 2 की। तो इस डाटा का मोड जो है वो क्या हो गया, 2 ही हो गया। बहुत सिंपल सा काम, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसी ऑब्जर्वेशन को मोड कह दिया करते हैं, इससे आसान क्या होगा, ठीक है भाई। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, वही जो बार बार बता रहा हूं कि मोड इज डिपेंडेंट अबाउट ओरिजिन एंड स्केल।
हर ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो मोड चेंज हो ही जाएगा। समझ में भी आता है, ठीक है भाई? बस ये जरूर ध्यान रखना, ये जेई ने एक बार सवाल पूछा है, याद ही रखना है। आई नॉट गो फॉर द डेरिवेशन पार्ट, मैं डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाऊंगा। सिर्फ फॉर्मूला याद रख लोगे तो ही काम चल जाएगा। फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू 3 times median minus 2 times mean. You'll have to learn this formula, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आया तो सवाल नहीं होगा, अगर आ गया तो चंद सेकंड का सवाल है। सवाल में उसने मेरे से पूछा था, जेई में मोड दिया, मीडियन दिया, मीन पूछ लिया, तो बच्चों वाला सवाल हो गया। बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालने हैं, तो डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू 3 times median minus 2 times mean. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट मोड। ये फॉर्मूला कहीं भूल मत जाना, भूल गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट कोएफिशिएंट पर आते हैं। नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज वेरिएंस, और सबसे इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास वेरिएंस ही है। 99% चांस होते हैं जेईई मेंस में कि वो हमसे वेरिएंस के बारे में ही पूछता है। ठीक है भाई, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे सफिशिएंट है, मैं डराइव वगैरह नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के डेरिवेशंस करते हैं, बट मैं अभी रिवीजन पर्पस के लिए डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाऊंगा। जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूला, याद रखना है, याद रखा सवाल हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे सवाल एक ही तरीके से होंगे। हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए। वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है भाई, समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, यार इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, x बार इज मीन का स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसीज हैं तो कौन सा बड़ा काम है, जहां जहां xi आया है वहां वहां fi लगा देना। अगर फ्रीक्वेंसीज हैं तो xi के साथ fi भी लगा देना। कहने का मतलब इसी से देखो, आप खुद से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर अपॉन n सिग्मा fi माइनस मीन का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है। सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल सी बात है। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड यू विल हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला कुछ भी कर लो याद करना पड़ेगा। मैं क्या बताऊं, उस टॉपिक में कुछ भी है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज याद करना है और उन्हें अप्लाई करना है, बहुत बेसिक टॉपिक है। चलिए भाई इसके बाद कुछ पॉइंट्स की बातें कर लेते हैं। ये भी हमसे बहुत बार पूछता है जी। क्या पूछता है कि भाई अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को, डेरिवेशन का टाइम नहीं है, जितना कम रखेंगे टॉपिक को उतना अच्छा रहेगा, इस टाइम पे डराइव अभी हम लोग करेंगे नहीं, डेरिवेशन करना है तो वी कैन डराइव इट बाय द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से डराइव कर सकते हैं, बहुत चीजों से डराइव कर सकते हैं, स्क्वायर खोल के डराइव कर सकते हैं, बहुत कुछ है। उसके लिए नया फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग फॉर द डेरिवेशन पार्ट, बस जो लिखा है बस वो ध्यान रखना है, दैट्स इट। समझने का इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मैं समझा भी नहीं सकता इस टॉपिक में आपको। ठीक है भाई, सिर्फ फॉर्मुलेज याद करके मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि फॉर्मुलेज को प्रॉब्लम्स में कैसे लगाना है। डेरिवेशन हो जाएंगे बट क्यों जाए, जितना कम रखेंगे उतना सही रहेगा। हाँ भाई, तो मैंने बोला है अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर द वर्ड्स, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दूं या 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वेरिएंस पहले वाला ही आएगा। वेरिएंस विल रिमेन सेम, वेरिएंस विल रिमेन सेम। ठीक है, फिर मैंने बोला है कि अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को
के से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो जो वेरिएंस है वो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। रिमेंबर द वर्ड्स, याद रखना है कि भाई अगर मैं वेरिएंस में 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, वेरिएंस ओरिजिनल वाला ही होगा। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेरिएंस विल बी 5 square times, दैट वुड बी द वेरिएंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिख भी रखा है कि भाई मान लो हमारे पास एक डाटा का वेरिएंस अल्फा है, या फिर ऐसे ही सुनते हैं, ऐसा करते हैं कि भाई हमारे पास काफी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने उस हर ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया, यानी मैंने xi ऑब्जर्वेशन को क्या बना दिया, 4xi+5। तो बताओगे 4 से मल्टीप्लाई करने पर वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, 4 square 16 times वेरिएंस हो जाएगा। और वो जो 5 ऐड किया है उस 5 ऐड करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां पर यही बताया हुआ है कि भाई अगर xi ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस अल्फा है तो उसमें अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें हर ऑब्जर्वेशन में और b ऐड कर दें तो जो वेरिएंस होगा दैट वुड बिकम a² into alpha। a मल्टीप्लाई करने से a² times हो गया और ऐड करने से तो कोई फर्क आता ही नहीं है वेरिएंस पे भाई। ठीक है, तो ये सवाल काफी बार पूछा हुआ ही है। आप ही मुझे बताओ अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को थ्राइस कर दूं, ट्रिपल कर दूं, और उस फिर थ्राइस करने के बाद हर ऑब्जर्वेशन में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ओरिजिनल वेरिएंस जो था उसका और नए वेरिएंस में क्या डिफरेंस होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि न्यू वेरिएंस विल बी 9 times द ओरिजिनल वेरिएंस बिकॉज ऑफ दैट थ्राइसिंग ऑफ द टर्म्स। वो जो 7 आपने सब्ट्रैक्ट किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मैंने लिखा हुआ है और आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वेरिएंस जो होता है वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, वेरिएंस जो होता है वो स्केल पे डिपेंड करता है। आपने तो बोला कि भाई एड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क पड़ेगा, स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा भाई, अभी आपने बोला। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल अबाउट आवर वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन में ज्यादा बात कर नहीं रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी कोई आपसे पूछेगा आपको सबसे पहले वेरिएंस निकालना है और वेरिएंस निकालने के बाद उसका रूट ले लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ द वेरिएंस। टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट फाइंड वेरिएंस दैट टेक इट्स रूट। ठीक है, तो खुद ही बताओ, आई थिंक समझ में आ भी गया होगा कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, वेरिएंस पे नहीं पड़ा था। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन विल बिकम √5 times ऑफ ओरिजिनल। पता है ना भाई क्यों, वेरिएंस, सॉरी, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन विल बिकम 5 times। समझ में आ गया होगा क्यों, वेरिएंस क्या हो गया था, 5 square times, रूट लेंगे तो आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 5 times। यही मैंने लिख रखा है कि भाई अगर xi का आप स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो और अगर वो अल्फा आता है तो axi plus b का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा दैट वुड बी a अल्फा, दैट वुड बी a अल्फा।
आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई अगर आप एक्साई ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 2 निकालते हो, 2 आया, और अगर आपसे एग्जाम में सिग्मा 3 XI प्लस 4 पूछ लिया गया, इसका मतलब क्या है कि हर ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 टाइम्स ऐड कर दिया। हाँ भाई, 3 से मल्टीप्लाई करने पर वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है? 3 स्क्वायर टाइम्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? 3 टाइम्स। तो कितना हो गया? 6। और मुझे लगता है एड या सब्ट्रैक्ट करने से तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी 6। इससे आसान काम क्या होगा? बस लास्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। अगर कोई मुझसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछता है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? मीन। कैसे? सम अपॉन नंबर। उसके बाद क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। वंस यू गेट द वेरिएंस, यू कैन टेक इट्स रूट टू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। Apply the values in the formula and get the answer. कुछ भी नहीं है, वैसे पूछता नहीं है, पर लेकिन पूछे तो I think बहुत simple सा काम है। ठीक है, तो हम problems की बात करते हैं। कुछ कुछ basic problems पहले मैं आपको यूं ही बोल के दिखाता हूं, फिर actual problems पे जाते हैं। ध्यान से सुनना, लिख नहीं रहा हूं, बहुत basic problems। Problem number 1. Which of the following depends upon scale but not origin? Options are mean, median, mode, variance. तो मेरा सवाल है कि भाई इनमें से कौन स्केल पे डिपेंड कर रहा है लेकिन ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा? एड सब्ट्रैक्ट करने से किस पे फर्क नहीं पड़ता है? मीन पे पड़ता है, मोड पे पड़ता है, मीडियन पे पड़ता है, वेरिएंस पे नहीं पड़ता। तो आंसर वुड बी वेरिएंस। डायरेक्टली सवाल जेई मेंस में पूछा गया है। ठीक है, एक सवाल और ये भी हमसे जेई मेंस में पूछा गया है, बहुत सिंपल सा करूंगा। ठीक है, मैंने बोला कि भाई हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 15। उन 15 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस, उन 15 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस 10 है। उन 15 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस 10 है। मैंने उन 15 ऑब्जर्वेशंस को, हर ऑब्जर्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हर ऑब्जर्वेशन में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बताओ नया वेरिएंस क्या होगा? तो नया वेरिएंस विल बी 49 टाइम्स, 7 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरिएंस, दैट वाज 10। तो कितना आया? 49 इनटू 10, दैट इज द 490। सब्ट्रैक्शन और एडिशन वॉन्ट अफेक्ट द वेरिएंस। बिल्कुल बेसिक बात है जिन्हें हम लोग सवालों में अभी लेने वाले हैं। बहुत बेसिक काम, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर एक बात और जरा इससे भी देख लीजिए कि ये भी हमसे जेई मेंस में पूछा है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर लेट से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन लेट से हम लोग बोल देते हैं X1 माइनस 100, X2 माइनस 100, X3 माइनस 100 अप टू XN माइनस 100। ये कुल मिला के कितनी ऑब्जर्वेशन हुई? 100।
और कोई मेड से इन 100 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस पूछना चाह रहा है, ठीक है? तो हमें वेरिएंस का फॉर्मूला आता है, हम लोग लगा देंगे। क्या था वेरिएंस का फॉर्मूला, रिकॉल करो, सिग्मा इन सब का होल स्क्वायर, यानी एक्स वन माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस 100 का होल स्क्वायर अप टू एक्स एन माइनस 100 का होल स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज 100 माइनस मीन, मीन निकाल के उनका स्क्वायर। बट आप लोग एग्जाम में प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, क्या कर देना कि भाई वो हमसे इनका वेरिएंस पूछ रहा है। आप एग्जाम में इनका वेरिएंस निकाल के आ जाओ, वो हमसे इनका वेरिएंस पूछ रहा है, आप एग्जाम में इनका वेरिएंस निकाल के आ जाओ। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएंस और इनका वेरिएंस तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्यों आएगा? 100 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएंस में। तो आपकी कैलकुलेशन बताओ आसान हो गई या नहीं हो गई? आप इनका वेरिएंस निकाल आइए, ठीक है? चलिए भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हम लोग आते हैं। हाँ भाई, एक और है, उसकी बात और कर लेते हैं, कंबाइंड वेरिएंस, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ जाते हैं। बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रॉब्लम कंबाइंड वेरिएंस का भी आएगा। कंबाइंड वेरिएंस बोले तो कि भाई दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे दूंगा और उन दोनों को कंबाइन करके वेरिएंस निकलवाऊंगा। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, आपको चाहे कुछ भी कर लो याद करना है, याद कर लोगे तो सवाल बेहद आसान लगेगा। फॉर्मूले में कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, अपने कॉमन सेंस से चेंजेस कर सकते हो। खुद बताओ, वन अपॉन एन, एन तो आई गई, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास क्या होता था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मैंने एक प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर और कर दिया, पहले ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर तो आपने याद किया था, सिग्मा वाई स्क्वायर आप लोग खुद कर देना। माइनस यहां याद रखना, मीन का स्क्वायर करते थे, तो यहां पर मीन प्लस मीन बाय टू, ओवरऑल मीन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई? दोबारा बता देता हूं, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला, वन अपॉन एन, एन तो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आप लोग करते थे, एक सिग्मा वाई आई स्क्वायर और कर लेना, ठीक है भाई? मीन का स्क्वायर करते थे, एक्स बार का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे एक्स बार प्लस वाई बार बाय टू का होल स्क्वायर कर देना, दोनों मीन का और मीन निकाल लेना, एक्स बार प्लस वाई बार बाय टू का होल स्क्वायर। यू विल हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, कुछ कराने लायक है ही नहीं है, मुझे इस तरीके से ही चलना पड़ेगा इस टॉपिक में, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई फॉर्मूला लगाएंगे सवाल सॉल्व हो जाएगा, फ्री के मार्क्स है। अगर ये भी नहीं करोगे तो मैं तो ये बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये वीडियो बहुत, ये वेबिनार बहुत अच्छे से देखें। मैक्सिम कितना लगना है, 1 आवर लगना है, 1 आवर 30 मिनट्स लगना है, उसमें आपका 4 मार्क्स का काम हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ भी स्टैटिक्स में करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने करा दिया दैट इज मोर देन एनफ। बस चलिए भाई सवालों पे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, कॉमन सेंस टॉपिक, ठीक है? पढ़िए सवाल, थोड़ा कमी से सवाल पढ़ेंगे, देखते हैं सवाल क्या है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 52, यानी बॉयज का एवरेज जो है, मीन जो है, दैट इज 52, and that of girls is 42. Girls का जो mean है that is 42. एक बार चलो लिख के रख ही लेते हैं। हाँ भाई, boys, girls, ठीक है? Boys का mean x1 bar बोल देते हैं, that is 52. Girls का mean x2 bar बोल देते हैं, that is 42. ठीक है भाई, बॉयज का मीन 52, गर्ल्स का मीन 42, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, यानी उसने कंबाइंड मीन दे दिया कितना, 50, कंबाइंड मीन इज 50। मुझे लगता है मैं सवाल अभी आगे नहीं पढ़ रहा हूं, कंबाइंड मीन, और जहां हमको दिख गया एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, यानी कंबाइंड मीन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज
50 मैं तुरंत से फॉर्मूला लगा देता हूं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। कंबाइंड मीन दिखा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे फालतू का, बस फॉर्मूला लिख देंगे। लिख दिया भाई फॉर्मूला, इसमें मुझे x1 बार और x2 बार पता है, n1 n2 अभी नहीं पता कि कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे। उसने मेरे को बोला परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, कि भैया क्लास में परसेंटेज ऑफ बॉयज बता दो। ठीक है, मतलब मुझे बॉयज गर्ल्स की काउंट एग्जैक्ट नहीं बतानी, सिर्फ मुझे बताना है कितने परसेंट बॉयज थे कितने परसेंट गर्ल्स थे। और खुद बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज गर्ल्स पूछ रहा है, तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कुल स्टूडेंट्स कितने ले लूं, 100 ले लेता हूं यार, कितने ले लेता हूं 100, परसेंटेज बहुत इजीली आ जाएगा। और बताओगे स्टूडेंट्स आपने 100 ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें से बॉयज कितने ले लूं x, उसमें से गर्ल्स कितने ले लूं 100 माइनस x। ठीक है, और ये समझ में अब आ रहा होगा कि भाई हमें x ही निकालना है। ठीक है, x वुड बी द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज among 100 students, मतलब वो मुझे डायरेक्टली परसेंटेज दे देगा। आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। 50 इक्वल टू n1 बॉयज की काउंट x इनटू x1 बार बॉयज का मीन 52 प्लस n2 गर्ल्स की काउंट 100 माइनस x इनटू x2 बार गर्ल्स का मीन दैट इज 42 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 टोटल नंबर दैट इज 100। बस कैलकुलेशन कर देता हूं, आप मेरे से पहले कर सकते हैं। 50 इंटू 100 इज 5000, 52x प्लस 4200 माइनस 42x। तो चेक कर लीजिए, यहां पर हमारे पास 800 आ गया और यहां पर हमारे पास 10x आ गया। x इज कमिंग आउट टू बी 80, यानी मेरे पास कितने बॉयज हैं 80, कितने कुल स्टूडेंट्स है 100, तो कितनी परसेंटेज हो गई 100 विल बी द परसेंटेज आंसर वुड बी सी। ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे, बॉयज की काउंट x मान लो, गर्ल्स की काउंट y मान लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस y, लास्ट में परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज वुड बी x अपॉन x प्लस y इनटू 100। क्यों फालतू में कैलकुलेशन टफ करें, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बट क्यों टफ करना। बॉयज को आप मान लो x, गर्ल्स को आप मान लो y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए x प्लस y। तो पता है आपको लास्ट में निकालना क्या है, बॉयज का परसेंटेज x अपॉन x प्लस y इनटू 100, ये निकालना पड़ेगा। बहुत इजीली निकल जाएगा बट मैं क्यों करूं, जब परसेंटेज ही पूछा है तो सिंपल सा लॉजिक है, 100 लोग मान लेते हैं, पांचवी में करते हैं यार आप ये सारा काम, परसेंटेज के लिए 100 लोग मान लिए, x बॉयज 100 माइनस x गर्ल्स, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का काम क्या आया कि हमने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा दिया, दैट्स इट, कुछ भी सवाल में नहीं है, बच्चों वाला काम है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। मेरे साथ साथ प्रॉब्लम करोगे, सजेस्ट हमेशा हम लोग यही करते हैं कि पेन पेपर लेके बैठे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे, बस ये सॉल्व कर लिए तो समझ जाना 20 साल के सवाल उठा के कर लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं कि बुक्स करो, कोई बुक नहीं करनी, जस्ट मेक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द आर्काइव, दैट्स इट। इस टॉपिक में तो कम से कम कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला सा टॉपिक है। सवाल पढ़ते हैं, द मीन ऑफ द नंबर्स ए बी 8, 5, 10, 6, मैं नोट कर लेता हूं, कुल कितने नंबर है 5, कौन कौन से ए बी 8, 5, 10, कुल मिला के कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 5 ऑब्जर्वेशंस, कुल मिला के 5 टर्म्स हैं। ठीक है भाई, उन 5 टर्म्स का मीन है 6, 5 टर्म्स का मीन 6 दिया है, मीन डिनोटेड बाय x बार गिवन इज 6, फॉर्मूला इज
सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई का मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस एट प्लस फाइव प्लस टेन अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो कितने हैं पांच, इक्वल टू में कितना है सिक्स। मैंने सवाल को आगे पढ़ा ही नहीं, जैसे जैसे बोलता जाता है मैं वैसे वैसे करता जाता हूं। मैं इसमें क्या पूरी मैथमेटिक्स में यही करता हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ए प्लस बी प्लस 23 इज इक्वल टू 30, तो चेक करिएगा ए प्लस बी इक्वल टू 7 आ गया। दैट इज आवर रिलेशन नंबर वन इन ए एंड बी। उसने बोला मैंने कर दिया, उसने बोला पांच ऑब्जर्वेशन है और पांच का मीन सिक्स है, तो मैंने कैलकुलेशन चला दी। अब बोल रहा है उन पांच ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस, तो यानी वेरिएंस भी दिया है, ठीक है भाई। वेरिएंस वेरिएंस कितना दिया है 6.80। रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है करते हैं। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब समझ में आता ही होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर यानी सारी ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर करते हुए ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज फाइव, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन तो हमने लिखा हुआ है सिक्स, यानी सिक्स का स्क्वायर माइनस 36। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा काम है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एट स्क्वायर फाइव स्क्वायर टेन स्क्वायर, ठीक है बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 6.80 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक करिएगा मेरे साथ साथ करिएगा, 64 प्लस 25 दैट इज 89 प्लस 100 दैट वुड बी 189 अपॉन में 5 और माइनस में 36। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189 अपॉन 5 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा होगा ये 36 उस तरफ चला गया, चला गया तो उस तरफ क्या आ गया 42.80। 5 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189 इक्वल टू 5 इंटू 42.80। कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो गया, आई थिंक 214 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 214 माइनस 189, आई थिंक दैट वुड बी 25। एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, और इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ए और बी। मैं क्या बताऊं, कुछ भी तो है नहीं, बस अब इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ए और बी निकालना है, मेंस का एग्जाम है, टाइम सेव करना, आई थिंक दिख रहा होगा ए प्लस बी 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, 3 एंड 4, ए एंड बी आर 3, चेक, निकालने मत बैठ जाना फालतू में, ऑप्शन से ही देख लेना ए 3 और बी 4 आ चुका है, या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फीलिंग आ गई होगी, 3 4 3 4, खत्म, कुछ है ही नहीं सवाल में भाई, जस्ट फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूलेज लगाने और सवाल सॉल्व कर देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इस टर्म के बारे में मैंने बात करी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, बट कॉमन सेंस है, सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। इफ द मीन डेविएशन, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जेई मेंस जब भी आपसे मीन डेविएशन पूछता है, क्या पूछता है मीन डेविएशन, तो उसका मतलब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होता है, ध्यान रखना वो हमारे लिए एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगाता, मीन डेविएशन का मतलब उसका
मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होता है. एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव, मॉड विद मॉड. चलो एक एक करके बात करते हैं कि अब सवाल क्या पूछना चाह रहा है. मीन डेविएशन से मतलब है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. ठीक है भाई, पढ़ते हैं. इफ द मीन डेविएशन ऑफ दीज नंबर्स फ्रॉम देयर मीन इज, यानी ध्यान से पढ़ो, मीन से डेविएशंस का मीन, मीन निकालना है, मीन से सारे डेविएशंस निकालने हैं. डेविएशंस का मतलब डिफरेंसेस, और जो डिफरेंसेस आए उनका भी मीन ले लेना है. समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरे पास पांच ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4, x5, उनका मीन x बार है. कोई मुझसे बोले कि इनका डेविएशन बताओ, डेविएशन x1 का डेविएशन x बार से, x1 माइनस x बार, x2 का डेविएशन x बार से, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, x4 माइनस x बार, x5 माइनस x बार, ये सारी आ गई डेविएशन. वो मुझसे बोल रहा है एब्सोल्यूट डेविएशन, तो मतलब सारी डेविएशन पे क्या लगा देना है, मॉड, पॉजिटिव ही लेना है. ठीक है भाई, फिर बोल रहा है इन सारी डेविएशंस का मीन निकाल दो. मीन मतलब सब डेविएशंस को ऐड कर दो, डिवाइड बाय जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, जितनी डेविएशंस थी, उनसे डिवाइड कर दो. आ गया भाई हमारे पास मीन डेविएशन, मतलब कॉमन सेंस वाला सवाल हो गया. तो अब सुनिए, मीन डेविएशन निकालना है इन सारी ऑब्जर्वेशंस का फ्रॉम द मीन, यानी पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन. पता करते पहले मीन निकालेंगे, फिर डेविएशंस निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे. उल्टे ऑर्डर में जाओ, पहले मीन, फिर डेविएशंस, फिर एब्सोल्यूट डेविएशंस, और फिर उनका मीन. उल्टे ऑर्डर में, पहले मीन, फिर डेविएशन, फिर एब्सोल्यूट डेविएशन, और फिर उनका मीन. चलो पहले क्या निकालेंगे, मीन. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं, 1 1 + d, 1 + 2d, 1 + 3d, up to 1 + 100d. आपका दिमाग काम कर गया होगा तुरंत से भाई, कि भाई ये जो है ये साफ साफ एक एपी लिखी हुई है. ठीक है, मैं बता देता हूं डायरेक्टली, कैलकुलेशन अवॉइड करूंगा. आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कुल मिला के 101 टर्म्स है, 101 टर्म्स है, 101 ऑब्जर्वेशन है. समझ में आ गया होगा. इन फर्स्ट टर्म वी हैव 1 + 0d एंड द लास्ट टर्म वी हैव 1 + 100d. और खुद बताओ 1 + 0d से 1 + 100d तक कोई जाएगा, 1 + 0d से 1 + 100d तक कोई जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स 101, 0 से 100, 101 टर्म्स है, और टर्म्स एपी में है. ठीक है, और इनका मीन तो ये तो पता है, मैं बहुत कॉमन सेंस से ही कर देता हूं, तुम चाहोगे तो कैलकुलेशन से भी कर लेंगे. हाँ भाई, कुल टर्म कितना है, 101. ये किस में है, एपी में. मुझसे बोल रहा है मीन, एवरेज, तो यानी जो इनका मिडिल टर्म होगा, एपी का मिडिल टर्म ही तो अरिथमेटिक मीन होता है. एपी के टर्म्स का जो मिडिल टर्म होता है वही तो अरिथमेटिक मीन होता है. मीन ही मुझे चाहिए भाई सवाल में, तो मेरे को बताओगे कुल टर्म कितनी है, 101. कुल टर्म कितनी है, 101. मिडिल टर्म कौन सी होगी, 101 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 51st टर्म विल बी द मीन. 51st टर्म विल बी द मीन. ये मैंने इसलिए मीन बोल दिया क्योंकि ये एपी है, और एपी का जो मिडिल टर्म होगा दैट इज ओनली नोन एज द मीन. ठीक है, 101 टर्म है, 50 इधर छोड़ दो, 50 इधर छोड़ दो, बीच में पड़ी 51st टर्म. अब बोलोगे 51st टर्म क्या होगी, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, 51st टर्म विल बी 1 + 15d. 1 + 50d, यही होगी 51st टर्म. हाँ भाई, अब मुझे क्या निकालने हैं, डेविएशंस, इनफैक्ट एब्सोल्यूट डेविएशंस. ठीक है भाई, एब्सोल्यूट डेविएशंस निकाल ले, निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट डेविएशंस. ठीक है भाई, तो 1 + 50d का
वन से डेविएशन कितना है? 50 डी है, ठीक है। वन प्लस 50 डी का वन प्लस डी के साथ डेविएशन कितना है? 49 डी है। वन प्लस 50 डी का वन प्लस 2 डी के साथ डेविएशन क्या है? 48 डी है। एंड सो ऑन करते करते बीच में पता है यहां पे एक 1 + 49 डी भी टर्म होगी, उस 1 + 49 डी का इससे डेविएशन कितना है? डी है। बीच में पता है 1 + 50 डी भी होगी, 1 + 50 डी से 1 + 50 डी का डेविएशन 0 है। फिर 1 + 51 डी भी होगा, उससे इसका डेविएशन डी ही है। 1 + 52 डी से इसका डेविएशन 2 डी है। बस लास्ट लिख देते हैं, लास्ट टर्म कौन सी थी? 1 + 100 डी। 1 + 100 डी का 1 + 50 डी से डेविएशन क्या है? 50 डी। तो ये मैंने क्या निकाल दिया? एब्सोल्यूट डेविएशंस। और अब मुझे क्या निकालना है? इनका मीन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, यानी मीन निकालना है। और मीन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, कैसे निकालते हैं? सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 50 डी यानी सारी डेविएशंस को ऐड कर देते हैं, प्लस 49 डी, प्लस 48 डी, प्लस बीच में डी, बीच में एक जीरो, प्लस में डी, प्लस में 2 डी और लास्ट में 50 डी। प्लीज गलती मत कर देना, टाइम नहीं लगेगा, कॉमन सेंस से करना है। और नीचे क्या होता है? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस विल बी 101। हो गया सवाल। और अब ध्यान से अगर देखें तो समझ में आ रहा होगा, कर लेते हैं कैलकुलेशन क्या आ रहा है, पता पर लग गया होगा। आई थिंक ट्वाइस ऑफ डी प्लस 2d प्लस 3d अप टू 50 डी, और डिवाइड में कितना है भाई हमारे पास? 101। और पता है ये उसने मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 255। एंड ये मुझे क्या करना है? 255 के बराबर करना है। मीन डेविएशन दिया हुआ है, कितना दिया है? 255। कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत सिंपल सा सवाल है, बस हो गया शायद। 2d बाहर निकाल लिया, और पता है d बाहर निकालने के बाद 1 से लेके 50 तक का सम है, 1 से 50 तक का सम n into n plus 1 upon 2, वो 101 जो लिखा था वो कॉपी कर रहा हूं, और इक्वल टू मैं 255 कॉपी कर रहा हूं। सवाल होने वाला है 55 इससे कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है यार, होना चाहिए, मतलब कुछ है ही नहीं सवाल में। तो डी बताओ, डी हम 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बताओगे डी हमारे पास कितना आ गया? 101 इंटू 5 अपॉन 50। आ गया भैया नहीं आ गया? करके देख लो। आई थिंक दिस इज 10.1, आंसर इज सी। मतलब मैंने कुछ खास काम किया नहीं है, तो ध्यान रखना है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, पीछे से चलना है, पहले मीन, फिर डेविएशंस, इनफैक्ट एब्सोल्यूट डेविएशंस, और फिर उनका मीन। तो देखो मैंने यही किया है कि भाई पहले मैंने निकाला मीन, मीन तो मिडिल टर्म हो गई क्योंकि एपी में थे, मीन निकाल लिया, एब्सोल्यूट डेविएशंस निकाल लिए, उनका मीन निकाल लिया, बस कर दिया, आ गया सवाल, सॉल्व हो गया भाई, कुछ भी नहीं है सवाल में। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, ध्यान से करेंगे। फॉर द टू डाटा सेट्स, दो डाटा सेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा करें, दो डाटा सेट्स हैं, एक डाटा सेट को एक्स आई बोल देते हैं, एक डाटा सेट को वाई आई बोल देते हैं, ठीक है। उन डाटा सेट्स में ऑब्जर्वेशन 5-5 है, इसमें भी एन 5 है और इसमें भी एन 5 है, ठीक है। इसके बाद उन दोनों के जो वेरियंसेस हैं वो 4 और 5 है, दोनों के वेरियंसेस, यानी इसका जो वेरियंस है एक्स आई का वो दे रखा है 4, और जो वाई आई का वेरियंस है वो दे रखा है 5।
यानी दोनों के वेरियंसेस भी दे दिए, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग मीन्स आर गिवन टू बी टू एंड फोर, दोनों के मीन्स भी दे दिए, क्या क्या दे दिए, एक्स बार टू दे दिया, वाई बार फोर दे दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे करता गया। उसके बाद वेरियंस ऑफ कंबाइंड डाटा, उसने मेरे से कंबाइंड डाटा का क्या पूछा है, वेरियंस, वेरियंस ऑफ कंबाइंड डाटा। बस आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में जिस जिसकी रिक्वायरमेंट होती जाएगी वो निकालते चलेंगे। तो भाई डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, वन अपॉन एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पांच पहले में थी पांच दूसरे में थी तो कुल मिला के दस, सही है भाई। क्या था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर था माइनस एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन टू का होल स्क्वायर। रिकॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वन अपॉन टेन को तो कॉपी कर रहा हूं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मुझे नहीं पता, सिग्मा वाई स्क्वायर भी मुझे नहीं पता, बट एक्स बार पता है, एक्स बार कितना है टू, वाई बार कितना है फोर, तो टू प्लस फोर अपॉन टू, सिक्स अपॉन टू थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन, तो यानी यहां पे नाइन। तो ये हमारा वेरियंस ऑफ कंबाइंड डाटा हो गया, बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, खुद बताओ इसमें क्या अननोन है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर सिग्मा वाई आई स्क्वायर, और अब तक आपने क्या यूज नहीं करे, अब तक आपने वेरियंसेस यूज नहीं करे, तो चलो वेरियंसेस यूज करते हैं और ध्यान से करते हैं। पहले डाटा का वेरियंस एक्स आई, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, पहले डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर पांच, माइनस इसके मीन का होल स्क्वायर, और इसका जो मीन था वो टू था, उसका होल स्क्वायर चार, और ये वेरिएंस किसके बराबर दे रखा था, चार के बराबर, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, समेशन एक्स आई स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 40, दिख गया होगा 8 × 5 हो गया भाई, ठीक है। अब दूसरे डाटा का वेरिएंस जो हमने अब तक यूज नहीं किया है, क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन, इन डाटा का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो तो पांच है, माइनस इसी के मीन का होल स्क्वायर, तो भाई इसका मीन, मीन कहां है चार, इसका होल स्क्वायर 16, इक्वल टू वेरियंस क्या दिया था पांच, तो वेरियंस लिख दिया पांच, चेक करिए सिग्मा वाई आई स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 105, समझ में आ रहा होगा कैसे, 5 + 16 = 21 × 5 = 105, और अब ये वैल्यूज कहां डालनी है, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल देनी है और वेरिएंस आ जाएगा। तो मैं इन वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल रहा हूं टू गेट द वेरिएंस, डाल दीजिए भाई, 1/10 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर माइनस 9, 1/45/10 माइनस 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम वगैरह ले लो, कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं, मैं क्या सिखाऊं उसमें आपको, 55/10 फैक्टराइज कर लो, आई थिंक दैट इज कमिंग आउट टू बी 11/2, कैंसिलेशन कर दो, तो भाई हमारे पास ये आ गया। तो बस फॉर्मूला, फॉर्मूला मत भूल जाना और ऑर्डर में चलते जाओ, कंबाइंड डाटा का वेरिएंस पूछा तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें सब पता है, बस अननोन कौन थे ये और ये, क्या यूज नहीं किए थे, वेरिएंस, दोनों के इंडिविजुअल, तो वेरिएंस यूज करके ये निकाल दिया, वेरिएंस यूज करके ये निकाल दिया, दैट्स इट, सवाल खत्म, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है भाई।
इफ द मीन डेविएशन, फिर उसने क्या पूछ लिया, मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन से मेरा मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट द मीडियन, यानी इस बार जो डेविएशन निकालना है वो अबाउट द मीडियन निकालना है, किनका, इनका, और वो कितना दिया है 50, ठीक है करते हैं। क्या कहा था, उल्टे से चलेंगे, मतलब पहले, इस टर्म का मतलब क्या बताया था भाई, कि पहले बैक से चलेंगे, पहले निकालेंगे मीडियन, फिर निकालेंगे डेविएशंस, फिर निकालेंगे एब्सोल्यूट डेविएशंस, और फिर उनका भी क्या कर देंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो पहले मीडियन निकालते हैं, मीडियन के लिए मैं ऑब्जर्वेशंस को लिख रहा हूं, ए 2a 3a 4a अप टू 50a, ठीक है भाई। आपको पता होगा मीडियन का मतलब होता था मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म कब, डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद, मुझे लगता है डाटा ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज हुआ पड़ा है, मिडिल टर्म। हाँ भाई, तो मिडिल टर्म के लिए मुझे पहले नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट करनी पड़ेगी, टर्म्स कितने हैं, 50 ऑब्जर्वेशंस है, और 50 अगर ऑब्जर्वेशंस हैं तो मिडिल टर्म्स किस किस को बताया था, रिकॉल कर लो, मिडिल टर्म्स दो होती हैं, कौन कौन, एक तो n बाय 2th, दैट वुड बी 50/2, दैट वुड बी 25th टर्म, एंड दूसरी मिडिल टर्म कौन सी होती है, n बाय 2+1th, यानी कितना, 26th, ठीक है भाई। तो मिडिल टर्म हमारे पास 25th आ गई और 26th आ गई, ठीक है। आपको पता लग रहा होगा a 2a 3a 4a 5a 25th टर्म 25a, तो मिडिल टर्म्स हमारी कौन कौन सी हो गई भाई, 25a एंड 26a। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, पक्का। और अब क्या निकालना है, मीडियन, मीडियन मैंने क्या बोला था कि भाई इन दोनों का आप लोग क्या निकाल दो, एवरेज। तो चलो मीडियन लिख देते हैं, मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ 25a प्लस 26a बाय 2, दैट वुड बी 25.5a। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, मीडियन, यानी हम लोग मीडियन लिख के रख लेते हैं, मीडियन हमारे पास क्या आ गया भाई, 25.5a आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बैक साइड से बोला था ना मीडियन, अब निकालेंगे हम डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस। तो चलो ऐसा करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लेते हैं, निकाल लें, निकाल लें। हाँ भाई, तो ए का डेविएशन 25.5a से 24.5a, 2a का डेविएशन, 2a का डेविएशन मीडियन से 25.5a से 23.5a, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको क्या पता है या नहीं पता, बीच में एक 25a भी आएगा, उसका डेविएशन इससे 0.5a होगा, ठीक है। क्या आपको पता है इधर 26a भी आएगा और 26a का डेविएशन इससे अगेन 0.5a होगा। क्या आपको पता है बीच में 27a भी आएगा और उसका डेविएशन 25.5a से 1.5a होगा। एंड लास्ट में अगर बात करें तो बताओगे लास्ट टर्म कौन सी है, 50a, और उसका डेविएशन इससे कितना हो गया, 24.5a। आई थिंक समझ में आ गया। और अब इनका मीन, मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस, इट मींस सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, ये पता है, इन सब को मैं ऐड कर देता हूं, ये पता लग रहा है, मैं इन सब को जब ऐड कर रहा हूं 24.5, इनफैक्ट सारी टर्म दो दो बार आ रही है, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ 0.5a प्लस 1.5a प्लस 2.5a
अप टू 24.5A. मीन निकाल रहे हैं, मीन के लिए नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ डेविएशंस. तो कितनी डेविएशन है कुल मिला के 50, और इक्वल टू में ये उसने मेरे को 50 दिया ही हुआ है. आई होप हमको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा. 0.5A दो बार है, 1.5A भी दो बार है, 24.5A भी दो बार है. कुछ भी मैंने ऐसा किया ही नहीं, बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर देता हूं. 2 × 0.5 1/2, 1.5 3/2, 2.5 5/2, एंड लास्ट में 24.5 49/2 और अपॉन में 50, एंड दैट इज इक्वल टू 50. ठीक है भाई, आपको दिख गया होगा 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो गया, और बताओगे ऊपर क्या हो गया, 1 + 3 + 5 + 49, ऑड नंबर कितने, 25. 25 ऑड नंबर का सम, 25 ऑड नंबर, और एक ए भी कॉमन आया था, एक ए भी हमारे पास कॉमन आया था, ए भी एक कॉमन आया है. समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से. दोबारा देख लेते हैं भाई, 2 बाहर पड़ा है, ए मैंने कॉमन निकाल लिया, 2a, हाफ 3/2 5/2 49/2, 2 से 2 कैंसिल, a बचा हुआ है 1 + 3 + 5 + 49, ap है, ap का सम निकाल लो, या फिर 1 + 3 + 5 up to 49, ये ऑड नंबर है, कितने 25, 25 पहले ऑड नंबर का सम, 25 स्क्वायर. ठीक है भाई, तो कितना आ गया, a into 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 × 50, तो a is coming out to be 2500 upon 625, that is 4. ठीक है भाई, दोबारा से जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, कुछ किया ही नहीं है. मीडियम यानी मिडिल टर्म, 50 टर्म है मिडिल टर्म, 50 by 2 = 25, 50 by 2 + 1 = 26, 25th term is 25A, 26th term is 26A, उन दोनों का एवरेज, दैट वुड बी द मीडियम. एब्सोल्यूट डेविएशन, सबका डेविएशन, 25.5A का A से 24.5A, इससे 23.5A, इससे 22.5A, बीच में 25A से 0.5A, 26A से 0.5A, लास्ट से 24.5A. उनका मीन यानी इन सब को ऐड करना है, डिवाइड बाय 50. इन सब को ऐड करने पे समझ में आ गया होगा कि भाई ये 24.5A, 23.5A सब दो दो बार आ रहा है. ऐड कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, कुछ भी सवाल में ऐसा है ही नहीं कि हम लोग जो ना कर पाए. काफी सिंपल प्रॉब्लम है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं. हाँ भाई, ऑल द एग्जामिनीज ऑफ अ क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स. भाई बहुत सारे एग्जामिनी है, सबने क्या किया है, सबने, हर एग्जामिनी ने परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में गंदा परफॉर्म किया है. The teacher decided to give grace marks of 10 to each of the examinee. समझ गए होंगे, let's say classroom में 5 examinee हैं. टीचर ने उन 5 examinee को 10-10 grace mark दे दिए, मतलब सबके जो marks आए थे उन सबके marks में 10-10-10 और add कर दिया. समझ में आ गया. Which of the following measures will not change even after the grace marks? समझ में आ गया, मैंने डिस्कस किया था. तो मैंने ये बोला है कि हर एग्जामिनी में को मैं 10-10 मार्क्स और दे दूं, मतलब मैं हर ऑब्जर्वेशन को 10-10 और बढ़ा दूं, तो इनमें से कौन चेंज नहीं होगा. आई थिंक वेरियंस चेंज नहीं होगा, कुछ करना ही नहीं है. बताया ही था कि वेरियंस पे एड सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता है, मीन मोड मीडियन पे पड़ता है. Which of the following, सवाल सिंपल सा है कि which of the following does not depend upon origin. Origin पे कौन डिपेंड नहीं करता है, variance. That's it. चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, कैलकुलेशन है, अच्छे से करते हैं. वेरियंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी पहले 50 इवन नेचुरल नंबर्स का वेरियंस लेना है, कर सकते हैं. पहले 50 इवन नेचुरल नंबर, तो पहले ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं.
पहली ऑब्जर्वेशन, टू अगली फोर, नेक्स्ट सिक्स, नेक्स्ट एट एंड लास्ट हंड्रेड, पहले पचास इवन नंबर, उनका क्या लिखना है? वेरियंस। तो वेरियंस का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब सबको स्क्वायर स्क्वायर कर करके जोड़ दो, टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर अप टू हंड्रेड स्क्वायर। अपॉन एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 थी। माइनस एक्स बार यानी मीन, मीन हमारे पास सवाल में है नहीं, मीन निकाल सकते हैं। सम अपॉन नंबर, सम टू प्लस फोर प्लस सिक्स अप टू हंड्रेड अपॉन नंबर दैट इज 50। तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? ऊपर से टू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, टू स्क्वायर बोले तो फोर कॉमन आ रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है कि भाई मैं यहां से टू स्क्वायर निकाल लूं, फोर निकाल लूं, तो अंदर क्या बच रहा है? वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू फिफ्टी स्क्वायर। वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू फिफ्टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, फिफ्टी थाई माइनस। क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि यहां से टू बाहर निकल गया? टू बाहर निकल गया, टू बाहर निकलने के बाद वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू फिफ्टी, एक से लेके पचास तक का सम फॉर्मूला आता है क्या? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, वो फिफ्टी जो मैंने कॉपी किया ही था। बस अब कैलकुलेशन है वो कर देता हूं, सवाल खत्म। 50 50 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 2 से 2 3 17, तो चेक करिएगा 34 इंटू 101 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, 51 का स्क्वायर वो करके देख लेना, दैट वुड बी 2625। मुझे तो याद है 51 का स्क्वायर 2625, 34 इंटू 101 पता लग गया होगा, 34 34 माइनस 265, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। बस अब इन दोनों को क्या करना है? माइनस माइनस कर दीजिए एंड आंसर वुड कम आउट टू बी 833, आंसर बी आ जाएगा। थोड़ा गलत कर दिया शायद मैंने, 51 का स्क्वायर दैट इज 2601, से कैसे एंड हो सकता है, माई मिस्टेक। आंसर वुड बी 833। आ गया भैया? नहीं आ गया, कुछ खास काम किया ही नहीं, सवाल खत्म, दोबारा बताने की जरूरत तो सवाल में है भी नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। द मीन ऑफ द डाटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशंस इज 16, यानी मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? 16, लिख दो, लिख देता हूं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स 16, ये मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई? 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन 16 ऑब्जर्वेशन का क्या दिया है? मीन। तो मीन हम सबको निकालना आता है, निकाल के रख लेते हैं। मीन किससे डिनोट होता है? एक्स बार। क्या फॉर्मूला होता है? सारे ऑब्जर्वेशंस का सम, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स 16 अपॉन में कितना आएगा? 16 इक्वल टू में कितना आएगा? 16। उसने यानी मेरे को दे दिया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स 16 That is equals to 256। मैं क्या बताऊं, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, यानी ये जो 16 ऑब्जर्वेशन है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनमें से कोई एक 16 है उसे डिलीट कर दिया गया है, तो लेट से बोल देते हैं ये जो x1 है ना वही 16 है,
उसे डिलीट कर दिया गया है। तो ऐसा करते हैं 16 प्लस एक्स टू से लेकर एक्स 16 कितना था 256, और बोल रहा है कि 16 को डिलीट मार दे, मार देते हैं। 16 को डिलीट मारते ही न्यू सम क्या आ गया एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स 16 कितना हो गया 240 हो गया। भाई ये पता लग रहा है कि भाई ये 15 ऑब्जर्वेशन अभी बची, समझ में आ गया, और ये उन 15 ऑब्जर्वेशन का क्या है सम। अब बोल रहा है तीन न्यू ऑब्जर्वेशन 3, 4 और 5 ऐड कर दो। चलो भाई सारे लोग 3, 4, 5 ऐड कर दो, कर देते हैं। 3 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, पहले से एक्स टू से लेकर एक्स 16 तक तो था। तो बेटा ये पता है आप कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 18 ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई। हाँ भाई यहां से लेके यहां तक का सम कितना था 240, और उस 240 में मैंने ये 12 और जोड़ दिया है, यानी 252। सिंपल सी बात है। देन द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डाटा, हमें रिजल्टेंट डाटा का मीन निकालना है, निकाल देते हैं। हाँ भाई मीन ऑफ न्यू डाटा, मीन ऑफ रिजल्टेंट डाटा, क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई बोले तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एक्स 2 अप टू एक्स 16, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोले तो 18, ऊपर वाला नंबर 252 डिवाइड बाय 18, कैलकुलेशन कर लो दैट इज कमिंग आउट टू बी 40। आंसर इज सी, कुछ भी नहीं है, अपना कॉमन सेंस है। पहले कितनी ऑब्जर्वेशन थी 16, उनका मीन पहले कितनी ऑब्जर्वेशन थी 16, उनका मीन कितना था 16, तो x1 प्लस अप टू x16 अपॉन 16 16, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 16 थी, लेट से x1, उसको डिलीट मार दिया, तो यहां से लेके यहां तक का सम कितना बचा 240, उसमें 3 4 5 और ऐड कर दिए तो कितना सम हो गया 252। अब मीन पूछ रहा है तो 252 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18, पता है पहले 16 थी, एक हटा दी थी, 3 ऐड कर दी थी, सिंपल। इससे सिंपल बात क्या होगी भाई। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ डाटा कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, उन सारी ऑब्जर्वेशंस का, सॉरी अ डाटा कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, एक डाटा है उसमें एन टर्म्स है, एन ऑब्जर्वेशंस है, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, ठीक है। उसने मेरे को एक रिजल्ट दिया है सिग्मा एक्स आई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9n, ठीक है, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। सिग्मा आई वन से लेकर एन एक्स आई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9n, ठीक है। मुझे लगता है आगे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा मैं इंटरेस्टेड अभी नहीं हूं भाई, उसने होल स्क्वायर लगा रखा है तो यार होल स्क्वायर खोलना तो चाहिए। क्या आया सिग्मा आई वन से लेकर एन एक्स आई स्क्वायर प्लस टू एक्स आई प्लस वन, मैंने सिर्फ स्क्वायर खोला है और कुछ नहीं किया, ठीक है भाई। सिमिलरली मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसा करते हैं स्क्वायर खोल तो देते हैं। क्या सिग्मा आई वन से लेकर एन एक्स आई स्क्वायर माइनस टू एक्स आई प्लस वन इक्वल टू कितना है 5n, क्या बताऊं भाई मैं इसमें कुछ भी नहीं, स्क्वायर था खोल दिया, स्क्वायर था खोल दिया, ठीक है। इसके बाद उसने मेरे से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, क्या पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पूछा है। अब बेटा ये बताओ कोई मेरे से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो पहले क्या निकालते हैं वेरिएंस, वेरिएंस का पहले फॉर्मूला लिखो क्या होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन का मतलब तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपको पता है एन ही है सवाल में, माइनस क्या होता है मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ इस फॉर्मूला ये मुझे निकालना है, इस फॉर्मूले में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर नहीं पता, मीन भी नहीं पता, और ये तो सबको पता है कि भाई अगर किसी को मीन ना पता हो
तो मीन निकालो यार, मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स आई सम अपॉन नंबर। अब मेरे को ये बताओ मुझे क्या क्या निकालना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और सिग्मा एक्स आई, और वो निकालने के लिए ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोलता हूं और इसको सेकंड इंफॉर्मेशन बोलता हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कैंसिल होके सिग्मा एक्स आई आ जाएगा। वही तो चाहिए, और क्या चाहिए, बस कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड। बताइएगा फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो चेक करिएगा सिग्मा आई वन से लेकर एन टू एक्स आई स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू कितना है 9n। हमें समझ में आ गया होगा, हमने ऐड कर दिया, ठीक है भाई, टू एक्स आई कैंसिल हो गया। हाँ भाई, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर समझ में आ रहा है, सॉरी ऐड किया था ना हम लोगों ने, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी। हाँ भाई, हमने इन दोनों को ऐड किया था, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर इज टू एक्स आई स्क्वायर, सही बात है, ये और ये कैंसिल हो गए, सही बात है, वन प्लस वन टू, सही बात है, और इक्वल टू में कितना आया 14 एंड 9n प्लस 5n। समझ में आ गया होगा, 2 तो मैं कॉमन लाके कैंसिल कर रहा हूं, आई वन से लेकर एन एक्स आई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना रह गया 7n, और ये अब हमें समझ में आता है, सिग्मा आई वन से लेकर एन एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वन तो n हो जाएगा 7n। तो आप लोग चेक कर सकते हो, सिग्मा आई वन से लेकर एन एक्स आई स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 6n। आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर सिग्मा आई वन से लेकर एन सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल और 2xi माइनस माइनस 2xi क्या आया 4xi, और चेक करिएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 9n माइनस 5n दैट वुड बी 4n। 4 कैंसिल, चेक करिएगा सिग्मा एक्स आई कितना आ गया n, और बस मुझे लगता है ये आ गया, और अब इन दोनों को सिर्फ कहां डालना है, यहां पे डाल देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हो गया। सारे लोग डालेंगे, गलती नहीं करेंगे। हाँ भाई, इसको डालने जा रहे हैं, डालिए भाई वेरिएंस, पहले निकालना था तो वेरिएंस निकालिए भाई, इसमें डाल के वेरिएंस निकालिए, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दैट इज 7n अपॉन n दैट इज 7, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दैट इज 7n अपॉन n कितना आया 7। गलती करी क्या? कुछ भी नहीं है, वैसे कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वो 6n था और अपॉन में n था तो कितना बचा 6, माइनस सिग्मा एक्स आई वो n था, n अपॉन n 1 का होल स्क्वायर 1, तो वेरिएंस हमारे पास 5 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस, यानी रूट 5 इज द आंसर, रूट 5 इज द आंसर। आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक प्रॉब्लम, कुछ खास मैंने किया ही नहीं, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को घटा दिया, जोड़ने पर ये आ गया, 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा 1 तो n होता है, n को यहां ले गए, 6n आ गया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 6n आ गया। हाँ भाई, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल, 4xi 4n सिग्मा एक्स आई n, सबको फॉर्मूले में डाल दिया और आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से।
ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। इफ सम ऑफ डेविएशंस, इसने मेरे से मीन वगैरह नहीं पूछा है, सिर्फ डेविएशंस का सम पूछा है फ्रॉम 30, यानी दे रखा है 30 से, मीन वगैरह कुछ नहीं निकालना, आपको 30 से डेविएशंस चाहिए। हाँ भाई, तो किससे चाहिए? और पता है ना, उल्टा पढ़ने को बोला था, फ्रॉम 30, तो 30 लिख देता हूं, 30 से चाहिए। क्या चाहिए? डेविएशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस की? 50। तो ऐसा करते हैं, 50 ऑब्जर्वेशन पहले लिख देता हूं। लेट 50 ऑब्जर्वेशंस आर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू X50। और उसने मेरे से मीन डेविएशन तो पूछा नहीं है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन तो पूछा नहीं है, सिर्फ उसने बोला ऑब्जर्वेशंस, ये लिख दी, उनका डेविएशन किससे? 30 से। तो आई एम राइटिंग द डेविएशंस। हाँ भाई, डेविएशंस। तो X1 का 30 से डेविएशन, X1 माइनस 30, X2 का X2 माइनस 30, X3 का X3 माइनस 30 और लास्ट का X5 माइनस 30। और अब इन डेविएशंस का सम, सिर्फ इन डेविएशंस को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। हाँ भाई, तो सम ऑफ द डेविएशंस वुड बी X1 माइनस 30, सिंपल सा प्रॉब्लम है, X2 माइनस 30, X3 माइनस 30 एंड लास्ट में X50 माइनस 30। ठीक है, और वो डेविएशंस का सम किसके बराबर दिया हुआ है? 50 के बराबर। तो इसे हम 50 के बराबर कर देते हैं, कुछ भी नहीं किया, X1 प्लस X2 अप टू कहां तक? X50। और पता है 30 कितनी बार आ गया? 50 बार, यानी -1500 इक्वल टू 50। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो चेक कर लीजिएगा, X1 से लेकर X50 तक का सम 1550 आ चुका है। और सवाल में उसने बोला कि भाई इन सारी ऑब्जर्वेशंस का क्या निकाल दो? मीन। तो मुझे लगता है मीन निकालना तो काफी आसान है। कैसे? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई इज 1550, 1550 अपॉन एन इज 50, आंसर इज 31। कुछ खास काम है ही नहीं, उल्टा चले 30 से डेविएशंस का सम। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ध्यान से। इफ द मीडियन ऑफ मीडियन मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है मैं लिख के रख लेता हूं, कितनी ऑब्जर्वेशंस? 19, X1, X2, X3 अप टू X19, इनका मीडियन, मीडियन का मतलब मिडिल टर्म, इनका मीडियन, मीडियन का मतलब मिडिल टर्म, कुल कितनी टर्म्स? 19 टर्म्स, 19 टर्म्स का मिडिल टर्म ऑड है, 19 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 10th टर्म, यानी यहां 10th टर्म पड़ी हुई है। ये 10th टर्म क्या है? मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को ही क्या बोलते हैं? मीडियन। और मीडियन क्या दिया है? 30। समझ में आ गया होगा, इसका मतलब ऑब्जर्वेशंस आर X1, X2, X3, बीच में कहीं पड़ा है 30, और ये 30 हमारे पास X10 है, 10वीं ऑब्जर्वेशन है, और लास्ट में X19। ठीक है, उसने बोला इफ टू ऑब्जर्वेशंस विद वैल्यूज 8 एंड 32 आर फर्दर इंक्लूडेड, यानी उसने इस ऑब्जर्वेशन में दो ऑब्जर्वेशन और एड ऑन कर दी। एक क्या एड ऑन करी? 8। क्या आपको पता है मीडियन निकालते वक्त ये जो डाटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज्ड है? लेट से असेंडिंग में अरेंज्ड है, तो बताओगे जब 8 को इंक्लूड करोगे तो कंफर्म्ड है 8 यहीं कहीं आएगा, क्यों? 30 से पहले आएगा। और जब 32 को इंक्लूड करोगे तो 32 इसके बाद ही कहीं आएगा, तो 32 इसके बाद ही कहीं आएगा आएगा। अब बताओगे ये कुल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 21। पता है क्यों हो गई?
पहले कितनी थी? 19, दो और ऐड कर दी, 21 ऑब्जर्वेशंस। और सवाल में पूछ रहा है नया मीडियन बताओ, तो मीडियन मतलब न्यू, मीडियन मतलब न्यू मिडिल टर्म, और न्यू मिडिल टर्म का नंबर कौन सा होगा? 11। 21 प्लस 1 बाय 2 और 11th टर्म की जगह कौन पड़ी हुई है? 30 ही पड़ी हुई है, पता है ना, पहले दसवीं थी, एक ऐड, 8 और ऐड कर दी, मीडियन हमारे पास वही का वही आ गया, 30। सी इज द आंसर। आ गया, बस एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, फिर खत्म कर लेते हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। हाँ भाई ठीक है, इन सब का वेरिएंस निकालना है, ठीक है, तो वेरिएंस का सिर्फ फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला भाई वेरिएंस का, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना है, कर देते हैं, एन सी नॉट स्क्वायर प्लस एन सी वन स्क्वायर अप टू एन सी एन का स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है एन, और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, गलती मत कर देना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर एन प्लस वन, जीरो से लेकर एन, जीरो से लेकर एन अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स बार। एक्स बार कैसे लिखते हैं? सम एन सी नॉट प्लस एन सी वन अप टू एन सी एन, अपॉन में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज एन प्लस वन, बस ये गलती मत कर देना। और अब थोड़ा सा बाइनोमियल आपने याद किया होगा, एन सी नॉट स्क्वायर से एन सी एन स्क्वायर तक का जो सम होता है दैट इज टू एन सी एन, डिवाइड में एन प्लस वन एज इट इज, माइनस एन सी नॉट से एन सी एन तक का सम भी हमें याद है दैट इज टू की पावर एन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो कुछ कुछ फॉर्मूले मैंने इसमें बाइनोमियल के लगा दिए। आ गया भाई, आई होप हमको सबको समझ में आ गया होगा, एन सी नॉट स्क्वायर से एन सी एन स्क्वायर तक का सम और एन सी नॉट से एन सी एन तक का सम, ठीक है भाई। तो क्या करें, बस सारे प्रॉब्लम फॉर्मूला बेच दिए हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं, काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं ये पीडीएफ अच्छे से रिवाइज कर लेना, सब समझ में आ ही गया होगा, वो तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है, कर जरूर लेना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत कहीं से भी नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम पिछले साल के, और कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के स्टैटिस्टिक्स के जितने भी सवाल आए हैं वो सारे कर लो, हार्डली मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व करने में। कुछ मैंने कवर करा दिए हैं, कुछ आप लोग कर सकते हो। चलिए भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।